दोस्तों इस वीडियो में हम टाटा ओल्टस के इस डबल डोर डीप फ्रिज को देखेंगे। टाटा ओल्टस की तरफ से आने वाला ये एक 405 लीटर कैपेसिटी का डीप फ्रिज है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको इसे क्यों खरीदना चाहिए और खरीदने के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से ये टोटल डीप फ्रिज खराब हो सकता है। सो इस वीडियो में हम इसके सेफ्टी रिलेटेड, इसे आपको किस तरह से यूज करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और आपको इसे किस प्राइस में खरीदना चाहिए, इसके रिलेटेड हम सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। सिर्फ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक डीप फ्रिज खरीदना है तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन इसे मत खरीदिए, आप किसी शॉप पर ही खरीदिए, क्योंकि इसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। इसे कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऑनलाइन में आपको सर्विस अच्छी तरह से नहीं मिल सकती है। अगर आप इसे किसी शॉप पर खरीदेंगे तो उसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपको सिर्फ दुकानदार को कॉन्टैक्ट करना है। वो कंपनी को कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनका टेक्नीशियन जल्द से जल्द आकर विजिट करके इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सो आपको इसे डेफिनेटली एक शॉप पर ही खरीदना है। बेसिकली आप इसे खरीदेंगे, आपका कोई बिजनेस है, आपकी दुकान है या आप होटल के लिए आप इसे खरीदेंगे। सो इसका यूज़ क्या होगा आपके लिए, इसमें दो सेक्शन आता है, एक आता है फ्रीजर सेक्शन और दूसरा आता है फ्रिज सेक्शन, मतलब कूलर सेक्शन। इस फ्रीजर सेक्शन में आप आइसक्रीम वगैरह स्टोर कर सकते हैं, कूलर सेक्शन में आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। सो इसी तरह से ये आपको यूजेबल होगा। बेसिकली ये आपको टाटा ओल्टस का ही क्यों खरीदना चाहिए, आपको और भी डीप फ्रिज मिल जाएंगे, वैसे कि ब्लू स्टार का मिल जाएगा, गोदरेज का मिल जाएगा, बट टाटा ओल्टस के इस प्रोडक्ट में आपको कम कीमत में एक अच्छी क्वालिटी का आपको डीप फ्रिज देखने को मिलेगा, इसलिए आपको खरीदना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है, इसकी सर्विस अच्छी होती है। सर्विस का अच्छी मिलना ये डिपेंड होता है आपके एरिया पर, मैं आपको इनकी सर्विस अच्छी होती है बता रहा हूँ, बट ये डिपेंड होता है आपके एरिया पर। हमारे सातारा डिस्ट्रिक्ट में इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, सो इसलिए मैं इनकी सर्विस अच्छी बोल रहा हूँ। सो इसी तरह से ये टाटा ओल्टस का डीप फ्रिज है, इसकी टोटल लीटर कैपेसिटी है 405 लीटर्स। सो इसके लिए कॉम्प्रेसिव वारंटी आएगी 1 ईयर की एंड इसके कॉम्प्रेसर के लिए वारंटी आएगी 4 ईयर की। चलिए हम इसे अंदर से और चारों साइड से देख लेते हैं और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इसे यूज़ करते समय, चलिए वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, इसे आपको टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करना है। आप इसका नॉर्मल टेम्परेचर रख सकते हैं, इसमें आपको 1 to 8 तक मार्किंग दी हुई है। अगर आपको इसका नॉर्मल टेम्परेचर रखना है तो आपको 1 to 3 सिलेक्ट करना है। मीडियम टेम्परेचर के लिए आपको 3 to 5 ये ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बर्फ वगैरह जमा नहीं है और ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो आप इसे 5 से 8 तक रख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें 2 एनर्जी इंडिकेटर भी देखने को मिलेंगे, या आप इसे फ्रंट साइड से देख सकते हैं। बैक साइड पे ये आपको पावर कनेक्शन क्वाड दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये 3 पिन टॉप है, इससे आप इसे पावर कनेक्शन अटैच कर सकते हैं। ऊपर की साइड ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इसके मॉडल नेम वगैरह दिए हुए हैं। फ्रिज के इस साइड आपको ये जाली दी हुई है, इसमें जो गर्म हवा बाहर आती है तो आपको इसे इस तरह से सेट करना चाहिए कि आपके रूम में से इसकी गर्म हवा बाहर जा सके, वरना ये आपके रूम को थोड़ा सा हीट कर सकती है। सो आपको ये इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ ऊपर इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसे अंदर से ओपन करके देखते हैं। इसके साइड में आपको इसे ओपन करने के लिए ये हैंडल दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 लॉक्स देखने को मिलेंगे और इसके इनसाइड आपको इनकी कीज देखने को मिलेंगे ताकि आप इसे लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अंदर से देख सकते हैं, यहाँ पर ये 2 कीज दी हुई है, मैनुअल और एक नाइफ दिया हुआ है। इसका वर्क क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है फ्रीज़र सेक्शन एंड यहाँ पर ये देख लीजिए, ये है फ्रिज सेक्शन। इसमें आपको डिवाइड करने के लिए ये कंपार्टमेंट जाली दिए हुए है, इसमें से आप यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ऊपर की साइड भी स्टोर कर सकते हैं। सो इसी तरह से ये अंदर की डिज़ाइन है इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी जो थिकनेस आती है इस डोर की वो बहुत ज़्यादा होती है ताकि इसमें से अंदर की कूलिंग बाहर ट्रांसफ़र ना हो सके। सो इसके लिए जो इंसुलेशन दिया होता है वो बहुत ही थिक होता है,
लाइट जाने के बाद ये 12 घंटे तक इसकी कूलिंग मेंटेन रखता है। सिर्फ आपको इसका डोर ओपन नहीं करना है, ताकि आप इसका डोर ओपन करेंगे तो इसमें से जो कूल एयर वो बाहर पास होती रहेगी, देन ये प्रॉपर कूलिंग मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कोई लाइट जाए इसका डोर आपको बार बार ओपन नहीं करना है। फ्रीजर सेक्शन में आप इसे हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो आइस जमा होने के, बर्फ जमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका बर्फ निकालने के लिए इसमें धारदार वस्तुओं का, चाकू का वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें से बर्फ निकालने के लिए ये आपको नाइफ दिया हुआ है, इसकी सहायता से आप इसका बर्फ निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको इसे यूज़ करके इसका बर्फ निकालना है। यहाँ पर आपको इसमें ये मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है, इसमें इस प्रोडक्ट रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपको क्या करना है, अगर आप इसे दुकान में सेट करेंगे या होटल में सेट करेंगे तो दीवार से करीब 1 फीट की दूरी पर इसे सेट करना है, ताकि इसके चारों बहुत वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, ये हीट ना हो सके। इसके लिए ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। मेन थिंग इस डीप फ्रीजर को डिफ्रॉस्टिंग कैसे करते हैं, या अंदर की साइड आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें बर्फ ज़्यादा जमा हो गई तो आपको इसका लाइट कनेक्शन ऑफ करना है, बंद करना है और इसमें से सभी प्रोडक्ट जो होंगे उसे बाहर निकलने हैं। 2-3 घंटे में इसमें से जो बर्फ होगा वो पूरी तरह से पिघल जाएगा और यहाँ पर पानी स्टोर होके रहेगा, तो आपको सिंपली वो प्लग ओपन करना है, वहाँ पर से आप इसका पानी निकाल सकते हैं। बाहर की तरफ आपको पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पर आप पाइप अटैच करके इसका अंदर का पानी निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसे डिफ्रॉस्टिंग किया जाता है, फिर आपको इसे अंदर की तरफ से ड्राई करना है, किसी कपड़े से वगैरह पोंछ लेना है अंदर की साइड से, एंड देन आपको फिर से प्रोडक्ट स्टोर करने हैं इसमें। सो इसी तरह से प्रोसेस है इसे डिफ्रॉस्टिंग करने की। ये थी कुछ इसे यूज़ करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इसकी जानकारी। इस टाटा ओल्टास के डीप फ्रिज का मॉडल नेम है CBHT400DDV। इस प्रोडक्ट की टोटल लीटर कैपेसिटी है 405 लीटर्स, मतलब 405 लीटर्स। उसमें से इसके फ्रीजर की, मतलब कूलर की ग्रॉस कैपेसिटी है 220 लीटर्स, एंड इसके फ्रीजर की ग्रॉस कैपेसिटी है 185 लीटर्स। ये थी इसकी ग्रॉस कैपेसिटी। ग्रॉस कैपेसिटी क्या होती है, इसकी टोटल वैल्यूम। ग्रॉस कैपेसिटी क्या होता है, इसका टोटल वैल्यूम। अब हम देखते हैं नेट कैपेसिटी। इसके लिए फ्रिज की कैपेसिटी, मतलब कूलर की नेट कैपेसिटी है 205 लीटर्स, एंड इसके फ्रीजर की नेट कैपेसिटी 170 लीटर्स। ये नेट कैपेसिटी क्या है, नेट कैपेसिटी मतलब आप इसमें एक्चुअल में स्टोर कितने प्रोडक्ट कर सकेंगे उसकी कैपेसिटी। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, मतलब आपको इसे कई जगह पर रखना है तो आपको इसके डायमेंशन भी पता होनी चाहिए। इसकी लेंथ, मतलब इसकी लंबाई है 140 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है 72 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट जो है वो है 84 सेंटीमीटर्स। ये थी इसके प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके लिए कॉम्प्रेसिव वारंटी आती है 1 ईयर की, एंड इसके कॉम्प्रेसर के लिए वारंटी आती है 4 ईयर की। और मेन थिंग इज आप इसे किस बजट में खरीद पाएंगे, इस समय आप इसे परचेस कर पाएंगे 30,000 से 31,000 के बीच में, मतलब 30,000 से 31,000 के बीच में आप इस समय इसे परचेस कर पाएंगे। सो ये थी इसकी सभी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट में और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।